किन्नर प्रिया कुमारी की हत्या कर दी गई थी श्रीपुर ओपी अंतर्गत, और किन्नर हत्याकांड का खुलासा हो चुका है और इस घटना में जो शामिल मुख्य अभियुक्त मनु कुमार शाह उसको गिरफ्तार किया गया है और जिस हथियार का उसने प्रयोग किया था चाकू उसको भी बरामद किया गया है। गोपालगंज पुलिस ने पूजा किन्नर हत्याकांड का खुलासा कर लिया है। पुलिस ने हत्या करने वाले युवक को घटना में प्रयुक्त चाकू के साथ गिरफ्तार कर लिया है। फुलवाड़िया थाना क्षेत्र के श्रीपुर ओपी के मिश्र बता रहे हैं कि बीते 26 जुलाई को किन्नर पूजा प्रिय की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। उनका शव कमरे में बरामद हुआ था जिसके बाद मामले के उद्भेदन के लिए एसआईटी का गठन किया गया। गोपालगंज एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि किन्नर पूजा प्रिय की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। घटना के मुख्य अभियुक्त मनु कुमार शाह को गिरफ्तार कर लिया गया है, साथ ही घटना में प्रयुक्त चाकू को बरामद कर लिया गया है। अभियुक्त के पास से ही मृतक का मोबाइल व आधार कार्ड बरामद किया गया है, साथ ही घटना में शामिल बाइक बरामद किया गया है। को एक किन्नर प्रिया कुमारी की हत्या कर दी गई थी श्रीपुर ओपी अंतर्गत, और किन्नर हत्याकांड का खुलासा हो चुका है और इस घटना में जो शामिल मुख्य अभियुक्त मनु कुमार शाह उसको गिरफ्तार किया गया है और जिस हथियार का उसने प्रयोग किया था चाकू उसको भी बरामद किया गया है और इसके पास से मृतक का आधार कार्ड और मृतक का मोबाइल भी बरामद किया गया है और घटना में जो शामिल मोटरसाइकिल है उसको भी बरामद किया गया है। इस प्रकार से यह अनुसंधान अब समाप्त होता है। अभियुक्त को माननीय न्यायालय में अग्रसारित करते हुए हम लोग केस को चार्जशीट करेंगे और स्पीडी ट्रायल के माध्यम से जल्द सजा दिलाने की कोशिश करेंगे। हत्या की जो मुख्य वजह है ये पूछताछ में इसने बताया है कि प्रेम संबंध इनका कुछ महीनों से चल रहा था, बाद में इस पे आपत्ति जताया गया था मृतक के द्वारा और इसी बात से आक्रोशित होकर इसने ये घटना को अंजाम दिया था। क्या अभियुक्त अकेले था कि कोई और भी था? अब तक के अनुसंधान में पता चला कि इसने ये घटना खुद ही कारित किया है और इसमें यही शामिल था। अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है, आरोप समर्पित कर जल्द ही स्पीडी ट्रायल के माध्यम से सजा दिलाई जाएगी। अभियुक्त ने प्रेम प्रसंग में हत्या की बात स्वीकार की है। गोपालगंज से नमो नारायण मिश्रा की यह रिपोर्ट।